आखिर उंगलियां उठाई जाती रहेंगी। भारत जो खित्ते के अमन में बकायदा खलल डाल रहा है कि आलमी बरादरी को ये नहीं चाहिए कि वो भारत को इस मनफी रवैये से मना करे और रोके। देखें, चाहना और ख्वाहिशात तो एक बात है, उनसे ये काम करवाना आलमी बरादरी से वो एक दूसरा एंगल है इसका। आलमी बरादरी से इस काम को करवाने के लिए उसके बहुत सारे मुहरिकात हैं। पहला लीगल उसका जो तरीका कार है वो तो अक्वामे मुत्तहदा जिसपे की मुसल्लत हैं बड़ी कुव्वतें P5 जिसको के कहा जाए वीटो पावर्स। फिर उसके बाद दुनिया अक्वाम वहाँ जहाँ जहाँ हमारे मिशन है उसमें ये हुकूमत कोशिश कर रही है, इसमें मजीद कोशिश में नए अंदाज में इजाफा करना होगा, तब हमारी ख्वाहिशात के कुछ पूरे होने के इम्कान हैं। देखिए इंडिया क्यों करता है ऐसा, इंडिया को सपोर्ट हासिल है, एक नेक्सस है इसराइल अमरीका इंडिया। अमेरिका का इसमें एक मकसद है, अमेरिका का मकसद यह है कि इंडिया को काउंटर मेजर काउंटर फोर्स के तहत उसको इस्टेब्लिश करे, चाइना के अगेंस्ट खड़ा करे, और तो कोई चाइना के अगेंस्ट यहाँ आके मद्दे मुकाबल खड़ा नहीं हो रहा है। तो लिहाजा इंडिया को इस मामले में मरबूत और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से, और ऑफकोर्स इसराइल के एडवाइजर भी वहाँ आते जाते रहे हैं, मसरूफ है, उनका इक्विपमेंट है। फिर जो उनके अमेरिका और इंडिया के जो दो बहुत अहम डिफेंस एग्रीमेंट हैं उसमें भी इंडिया, अच्छा फिर इंडिया के ड्रा के सबसे बड़ा चंक ऑफ द बजट फॉर द इंटेलिजेंस एक्टिविटीज दैट इज अगेंस्ट पाकिस्तान दैट इज डाइवर्टेड टूवर्ड्स बलोचिस्तान। एक तरफ के एक डॉक्यूमेंट के तरफ आपकी तवज्जो और आपके नाज़रीन की तवज्जो दिलाता है चलो, जो कि 2013 में मुमलकत अफगानिस्तान से मुमलकत अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान साइन हुआ था, जिसके तहत अमेरिका को ये अख्तियार हासिल है कि वो जिस वक्त जहाँ चाहे उतर जाए अफगानिस्तान में, जहाँ चाहे मिलिट्री कुमक पहुँचा दे, जहाँ चाहे वहाँ वो अपने इंटेलिजेंस के साधो सामान।